का 758वां उर्स बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। उर्स में राजस्थान के ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए जायरीनों ने शिरकत की। गौरतलब है कि ये उर्स अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय का स्थल होने के बावजूद दरगाह परिसर में कोई मांसाहार करके प्रवेश नहीं कर सकता। सूफी हमीदुद्दीन सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखते थे और उन्होंने अपने हिंदू भक्तों की खातिर मांसाहार का त्याग कर दिया था। मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय से जुड़े लोग भी यहाँ मन्नत मांगते देखे जा सकते हैं। लोगों को यकीन है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। ये सूफी सुल्तान तारकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौर रहमतुल्लाह अलैह का 758वां उर्स मुबारक है। आपको सूफी कहा गया, सुल्तान तारकीन कहा गया, अमानुल अर्द कहा गया, देउल अर्द कहा गया और यहाँ से बड़ी अकीदत से तमाम जगह से सिर्फ हिंदुस्तानी से नहीं बैरूनी बाहर से भी जो है जाने नजर तशरीफ लेकर जाते हैं अकीदत के फूल हजरत सुल्तान तारकीन रज़ी अल्लाह तआला के मजार पर पेश करते हैं। दरबार के आप खुद देख सकते हो बहुत सारे भीड़ है, सब अपने मुरादें मांगना है सब और इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। हम भी इसी उम्मीद से आए हैं कि हमारी भी जरूर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद भी है। और अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।